छात्रों, आज हम गति के नियम के अंतर्गत वृत्ति गति का अध्ययन करेंगे। वृत्ति गति में क्या होता है? कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है। ये इसका क्या हो गया? केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई, ये कोण थीटा। मान लो वस्तु ए से बी तक आ रही है, ये त्रिज्या आर, और ये क्या कहलाता है? चाप। तो वस्तु यहां से ए से बी के साइड वृत्ताकार मार्ग में कैसी हो रही है? चल रही है, ठीक, इस पास से होकर आ रही है, ठीक है। तो यह चली गई दूरी यहां पर कोणीय विस्थापन कहलाती है। कोणीय विस्थापन, इसको मैं थीटा से शो करता हूं, ठीक। वस्तु द्वारा वृत्ति पथ में चलने पर अंतरित कोण कोणी विस्थापन थीटा कहलाता। तो वस्तु क्या करती है? वृत्ताकार मार्ग में तो चलती है, और ये जितना चलती जाती है तो केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन थीटा कहलाता है। कोण थीटा को, है ना, हम यहाँ पर डिफाइन करें तो कोणीय विस्थापन थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए, मान लो ये वाली वस्तु यहां से वृत्ताकार मार्ग में चली और यहां पर इसने ए से बी तक गई, तो ये हो गया इसका चाप और इसकी त्रिज्या। केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो गया? थीटा। तो कोणीय विस्थापन थीटा चाप कितने के बराबर हो गया? ए बी त्रिज्या आर इतने के बराबर हो। तो यूनिट क्या जाता है? रेडियन के इक्वल आ जाता है, ठीक है। कोण की यूनिट क्या होती है? रेडियन। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाती है? रेडियन के इक्वल आ जाती है। दूसरा, कोणी वेग तो हम ओमेगा से शो करने लगते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो प्रति सेकेंड कोणीय विस्थापन की दर कोणीय वेग ओमेगा कहलाती है।
ध्यान रखिए वस्तु कहाँ चल रही है, इस वृत्ताकार मार्ग में चलती है, तो प्रति सेकेंड ये केंद्र पर जितना कोणीय विस्थापन तय करती है वह कोणीय विस्थापन ओमेगा कहलाता है। देखिए हम ओमेगा को ऐसा डिफाइन कर लेते हैं, ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन को फिजिक्स में ओमेगा कहलाते हैं, ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक, मान लो ये कोणीय विस्थापन डेल थीटा है, समय डेल टी है, ये मेरे पास यहाँ पर इसका रिजल्ट आता है। यदि समय बहुत छोटा है, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, लिमिट डेल टी टेंड्स टूवर्ड जीरो डेल थीटा अपॉन डेल टी, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी से भी शो कर देते हैं। तो ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी आ जाएगा। ठीक है, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, कोण की इकाई क्या कहलाती है, रेडियन, और इसकी इकाई हो जाती है प्रति सेकेंड आ जाती है, रेडियन प्रति सेकेंड, यानी कोणीय विस्थापन की दर मेरे पास कोणीय वेग ओमेगा कहलाती है। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा फिजिक्स में। ठीक, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, ये आ गया पूर्ण चक्कर के लिए, पूर्ण चक्कर के लिए यानी एक पूरा चक्कर ये चल रही है तो कितना कोण तय करती है, 2 पाई या 360 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ठीक है, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई के इक्वल, इसलिए ओमेगा मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी के इक्वल आ जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन फिजिक्स में चलता रहता है। ठीक है, इसको आप वो तो नोट कर लेंगे। देखिए ऐसे मैं क्या करता हूं, कोणीय त्वरण लेके चलता हूं तो मैं अल्फा से शो करता हूं। ठीक, ये मेरे पास दिया जाती है कोणीय वेग परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण अल्फा कहलाती, अर्थात प्रति सेकेंड कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। देखिए जब भी दर होता है, दर यानी रेट, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कोणीय त्वरण कहलाती है। तो कोणीय त्वरण को मैं ऐसा शो कर देता हूं, कोणीय त्वरण अल्फा बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय
अंतराल। ठीक, तो अब हमारे पास क्या हो गया, अगर वस्तु के कोण प्रति सेकेंड वेग में लगातार परिवर्तन होता है तो उसको हम कोणीय त्वरण अल्फा बोल देते हैं। इसका मीनिंग हो जाता है डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। ओमेगा की यूनिट क्या जाती है, रेडियन प्रति सेकेंड, तो ये सेकेंड इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, तो प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कोणीय वेग में या कोणीय त्वरण में या कोणीय विस्थापन में वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है। फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है, ये देखिए, मैं यहाँ पर इसको लेके चलता हूँ, एक समान शक्ति गति। देखिए मेरे पास इसका मतलब क्या हो जाता है, एक समान वृत्ति गति का मतलब क्या होता है कि वस्तु वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल से चल रही है ना। हम ऐसा बोलते हैं, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार, यदि कोई वस्तु, इसको यहां पर लिख देता हूं, वृत्ताकार पथ पर एक समान जाल से गति कर रही है तो वस्तु का वेग हर बिंदु पर दिशा के कारण, दिशा के कारण परिवर्तित होता है। आता है वस्तु में केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं एवं इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। वस्तु की यह है गति एक समान गति कहलाती
कहलाती। देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रही है तो वस्तु का वेग हर बिंदु पर दिशा के कारण परिवर्तित होता है। अतः वस्तु में केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं एवं इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। वस्तु की यह गति एक समान गति कहलाती है। ठीक है, ये मैंने लिखाया है, इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु, ध्यान रखिएगा, ये वस्तु मान लो इस वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, वस्तु यहाँ पर है, ए पर है, फिर बी पर चली गई, फिर सी पर आई, फिर डी पर आई। ठीक, यहाँ पर वेग की दिशा वी वन, फिर यहाँ पर वेग की दिशा वी टू, यहाँ पर वेग की दिशा वी थ्री, ऐसे आ रही, ऐसे यहाँ पर निकल आती है। ये चल एक समान होता, वे एक समान चाल से रही है, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर वस्तु वृत्ताकार मार्ग में चलती है तो उसका चाल तो समान होती है, जैसे मान लो 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से जा रहा है, लेकिन उसकी दिशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे पास एक केंद्र की ओर त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिसको अभिकेंद्री त्वरण बोल देते हैं। ठीक है, अभिकेंद्री त्वरण को एसी से शो करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वी वन बराबर वी टू बराबर बी, ये कैसा है आपके पास? ठीक है, वेग का परिमाण अर्थात चाल है। ठीक है, ये सब वेग का परिमाण है और वस्तु का यहाँ पर वेग हर दिशा में क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। देखिए, ये एक समान चाल से चल रही है, मान लो मैं 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से जा रहा हूँ तो 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से ही चलता जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर बिंदु पर मेरे पास वेग की दिशा बदल रही है, तो ये वेग का परिमाण है अर्थात चाल है। ये सब बराबर होती है, इसलिए केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? अभिकेंद्री त्वरण बोल देते हैं। तो जो अभिकेंद्री त्वरण केंद्र की ओर लगने लगता है, अभिकेंद्री त्वरण जो वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, कितने के बराबर होता है? एसी, ये हो जाता है बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, बी क्या हो गया? वेग, और आर क्या हो गई? वृत्त की त्रिज्या। ठीक, इसलिए अभी केंद्रीय बल, इसको मैं एफ सी बोल देता हूँ, एफ सी बराबर एम इंटू ए सी। एम क्या हो गया आपके पास? वस्तु का द्रव्यमान। इसलिए एफ सी बराबर हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल आता है, इसी को हम अभिकेंद्री बल बोल देते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट टर्म। ठीक है, और ये अभिकेंद्री बल, जैसे आप एक पत्थर को धागे में बांधकर ऐसे घुमाइए ऐसा, तो अंदर एक त्वरण या बल लगता है, इसी को हम
अभिकेंद्री बल बोल देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप।